दोस्तों मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे चूड़ी बनाना। चूड़ी कैसे हम काटते हैं, कंपोनेंट जो है हमारा कंपोनेंट, चाहे वो ओडी हो, आउटर डायामीटर हो, चाहे हमारा आईडी हो, इंटरनल डायामीटर हो, बोर हो हमारा, तो बोर में कैसे चूड़ी काटेंगे और ओडी पे चूड़ी कैसे काटेंगे। जो चूड़ी जो हम काटते हैं उसके लिए तीन मेन कोड है हमारे पास। तो उस तीन मेन कोड में से एक जो सबसे पहला कोड है वो आज मैं आपको बताऊंगा, जो कोड है आपका G76। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों चूड़ी के लिए कोड है हमारा G76। इसको कहते हैं थ्रेडिंग साइकिल। दोस्तों थ्रेडिंग साइकिल कहते हैं इसे हम। साइकिल का क्या मतलब हो गया कि जैसे हम कैनेड साइकिल सीखते हैं ना G71, 72, 73, जिसमें हमें क्या है मैनुअली ज्यादा लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंथी प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम चूड़ी काटते हैं केवल दो लाइन होता है, दो लाइन में वैल्यू डाल दी हमने, उसके बाद हमें चाहे कितने पिच की चूड़ी काटनी हो और जितनी भी गहरी काटनी हो, जितनी भी उसकी डेप्थ हो, 3 mm, 2 mm, 4 mm, जो भी उसकी डेप्थ है उतना हम चूड़ी काट सकते हैं केवल दो लाइन की प्रोग्रामिंग लिख के। ठीक है, तो इस कोडिंग का जो है मैं सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ, सिंटैक्स को आप अच्छे से समझना, इस सिंटैक्स की काफी वैल्यू है। इस सिंटैक्स में अगर आपने कोई गलती करी तो चूड़ी जो है प्रॉपर नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम जो है इस वाले कोड से क्या, G76 कोड से क्या, और भी जो दो कोड और है चूड़ी काटने के लिए थ्रेडिंग के लिए, तो उस कोर्स के अंदर इन तीनों कोड में, मतलब मेन इन तीनों कोड में आप टेपर की चूड़ी भी काट सकते हो, टेपर थ्रेड। मैं आपको इसमें टेपर में चूड़ी कैसे काटेंगे और सिंपल चूड़ी कैसे काटेंगे स्ट्रेट, वो दोनों चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इसका सिंटेक्स बता दूं आपको, मेन सिंटेक्स कैसा है। पहला सिंटेक्स है इसका G76, यह डलेगी P की वैल्यू, P की वैल्यू भी डलती है यहां पे, तीन वैल्यू डलती है P की इसमें। ठीक है, तीन वैल्यू हो गई है पी क्यू, पी क्यू आर, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, एक्स जेड आर, पी क्यू एफ ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के थ्रू जो है हम चूड़ी काटेंगे पी क्यू आर एक्स जेड आर पी क्यू एफ। दोस्तों यहां पे आप देखना दो जगह आर की वैल्यू है और यहां पे दोनों जगह जो आर की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू जो आर की, वो दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट यूज है। दोस्तों बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि जो प्रोग्राम मैं आपको यहां समझाऊंगा वो मैं मशीन पर चला के दिखाऊंगा आपको, और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। तो यहां पे क्या होता है, चूड़ी काट तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि वैल्यू एक्चुअल में कौन सी वैल्यू कहां पे है। चूड़ी कटेगा, चूड़ी पे लोड ज्यादा आएगा, चूड़ी की इंसर्ट जो होती है बिट वो जल्दी खराब होगी, अगर इस कोड का सही से यूज नहीं किया, हमने उल्टा सीधा वैल्यू डाल दिया। अगर इस सिंटैक्स में आप वैल्यू सही नहीं डालेंगे तो क्या होगा, चूड़ी आपकी प्रॉपर नहीं आएगी, चूड़ी में भर आएगा आपका, फिनिशिंग नहीं होगी, चूड़ी में टेपर आ जाएगा आपका। तो काफी अच्छे से समझना इस कोड को आप। अब इसमें मैं आपको एक एक करके सारी वैल्यू बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं चूड़ी जो है हम दो जगह काटते हैं, चूड़ी एक ओडी पे काटेंगे, एक आएंगे काटेंगे आईडी पे। ठीक है, दो जगह ओडी पे आईडी में। अगर कोई हमें बोल्ट बनाना है तो बोल्ट पे क्या होता है, ओडी पे चूड़ी कटती है। यहां मैं बोल्ट बना देता हूं आपका,
ठीक है, यहां पे क्या होगा, ओडी पे चूड़ी कट रही है, और जो हमारी नट होगा, जो नट अगर नट हम यूज कर रहे हैं, जैसे नट हो गया हमारा ये, ठीक है दोस्तों, एक काट रहे हैं ओडी पे चूड़ी और एक काट रहे हैं हम आईडी में चूड़ी, ये काट रहे हैं ओडी पे और ये वाला काट रहे हैं हम आईडी पे चूड़ी, ठीक है ना। इसके बोर में चूड़ी थ्रेडिंग कटेगी और इसके कटेगी ओडी पे आउटर डायमीटर पे। तो जब हम बोल्ट पे चूड़ी काटेंगे तब क्या वैल्यू डालेंगे, जब नट में चूड़ी काटेंगे तो क्या वैल्यू डालेंगे, दोनों में वैल्यू अलग अलग डलेगी। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, काफी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको ये। तो ये आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये बोल्ट है नट है, दो जगह चूड़ी कटती है, ओडी पे कटेगी या आईडी में कटेगी, कंपोनेंट हमारा कोई भी हो, नट हो या कुछ भी हो, या बोल्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब हमें वैल्यू समझना है, अब पहले हम सबसे पहले ये वाला वैल्यू समझेंगे पी, जो पी में देखिए आप 00000, यहां पे तीन तरीके की वैल्यू डलती है, एक नंबर वैल्यू ये डलेगी, दूसरी ये डलेगी और तीसरी ये डलेगी, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब मैं आपको बता देता हूं, पहला जो 00 है, फर्स्ट वाला जो 00 है, मैं यहां पे नंबर वन वाला डाल देता हूं पी, ठीक है। ये पी की वैल्यू चल रही है, पी फर्स्ट की जो 00 की वैल्यू है, ये जो है ये आपका जो कट है, फ्री कट्स होते हैं ये, फ्री कट, इसको आप बोल सकते हो फिनिशिंग कट, फिनिशिंग कट एज फ्री कट। दोस्तों फिनिशिंग कट एज फ्री कट का मतलब क्या हो गया, कि ये टूल जो है चूड़ी काटते समय जब इसकी गहराई में आएगी, यहां पे जब इसका डेप्थ मेंटेन करेगा पूरा, बिल्कुल जो डेप्थ में आएगा, तो उस समय ये माल नहीं काटेगा, मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं काटता, ये केवल ये उसमें से पास करेगा टूल हमारा फ्री। क्यों? गहराई हमारी मेंटेन हो चुकी है चूड़ी की, जितनी हमें गहराई बनानी है उसकी, जितनी डेप्थ हमें मेंटेन करना है, बस वो फ्री पासिस चलेगी उसमें गहराई में, कि अगर उसके अंदर कोई बर वगैरह हो, कोई कचरा या बुरादा फंस गया हो, कोई स्क्रैप फंस गया हो, या उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही हो, तो फ्री कट में चलता है सेम साइज पे। तो फ्री कट चलने की वजह से क्या होता है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा चूड़ी, क्लीन हो जाएगा आपका डायमीटर, माल बिल्कुल भी नहीं काटेगा, मटेरियल बिल्कुल भी नहीं काटता ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले में फर्स्ट पी 00 में हम वैल्यू लिख देते हैं पी 02, दो मतलब दो बार चले चूड़ी जो हमारी पूरी कट जाए, तो दो कट जो है ऐसे ही फ्री चले, फ्री सफाई कर दे चूड़ी की, चूड़ी में जो भी गंदगी हो गंदगी बाहर निकल जाए, तो फ्री कट है, कोई माल नहीं काटेगा इसमें, पहले बता दूं मैं आपको। ये 02 कर लो, 03 कर लो, 04 कर लो, जैसे करना है वैसे, ज्यादा नहीं करते, ज्यादा करने से कंपोनेंट का साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, ये फिर आया दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का जो 00 है, ये होता है चैम्फरिंग अमाउंट, चैम्फरिंग अमाउंट। दोस्तों चैम्फरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम कट लगाएंगे तो यहां पे हल्का स्टार्टिंग में और एंड पॉइंट पे चैम्फर लग जाता है, तो वो चैम्फरिंग अमाउंट जो है हम 00 रखते हैं, इसको कभी हम डालते नहीं है, क्योंकि जब हम चूड़ी काटते हैं तो उससे पहले क्या है, हम डायमीटर बना लेते हैं, कि अगर हमें 20 mm डायमीटर पे चूड़ी काटनी है तो हमने इससे पहले टर्निंग करके 20 mm का डायमीटर मेंटेन कर लिया और चैम्फर भी मार लिया हमने उसी से, तो चैम्फरिंग का काम पहले ही खत्म हो जाता है। तो हम यहां पे चैम्फरिंग अमाउंट जो है बिल्कुल नहीं डालते, उसको 00 रखते हैं हमेशा। तो ये आपका सेकंड वाला जो है ये 00, ये हमेशा 00 रहेगा आपका, ये चैम्फरिंग अमाउंट है, चैम्फरिंग अमाउंट। तीसरा दोस्तों, तीसरा जो पी की वैल्यू है 00, ये होता है आपका एंगल ऑफ थ्रेड, कि चूड़ी का एंगल कितना होगा, चूड़ी का एंगल कैसे। मैंने पहले जो नॉर्मन क्लेचर ऑफ थ्रेड बताया आपको, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने देख लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
दोस्तों मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो को स्किप मत करना, वन से चालू करना, 1 2 3 4 5 सिक्वेंस में आएंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ थ्रेड बताया मैंने, एंगल ऑफ थ्रेड को मैं जरा यहाँ पे डिटेल में आपको और समझाता हूं। अब मैं ये आपको समझ में आ गया, मैं ये मिटा देता हूं यहां से। अब मैं एंगल ऑफ थ्रेड आपको समझाऊंगा कि एंगल ऑफ थ्रेड क्या है। दोस्तों ये मान लो थोड़ा, दोस्तों बनने में थोड़ा दिक्कत है, एग्जैक्ट नहीं बन पाया मेरे से। तो एंगल ऑफ थ्रेड क्या है, ये एंगल होता है हमारा, जो हमारी चूड़ी बनेगी तो इसका बीच में जो है ना एक एंगल बनेगा, वो एंगल जो है हो सकता है कि 60 डिग्री हो सकता है 55 हो सकता है 30 हो, ठीक है। ये डिग्री बनेगी यहां पे, एक डिग्री होती है यहां पे। तो ये एंगल ऑफ थ्रेड जो भी होगा, 60 होगा 60 डालेंगे, 55 होगा 55 डालेंगे, 30 होगा 30 डालेंगे, जो भी हमारा चूड़ी का प्रोफाइल होगा। बीएसडब्ल्यू होगा तो अलग है, एनपीटी है तो अलग है, टीपीटी है तो अलग है, बीएसपीटी है तो अलग है, बीएसडब्ल्यू है तो अलग है, मैट्रिक थ्रेड अलग है, ठीक है। तो थ्रेड को जो है हम चार्ट से पढ़ लेते हैं कि कौन सा चार्ट का कौन सा टेबल है ये, तो उस जो भी चूड़ी का जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसके हिसाब से हम एंगल डाल लेते हैं, जो भी एंगल है। तो तीसरा वाला जो पोजीशन है दोस्तों वो एंगल का पोजीशन होता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ थ्रेड आप समझ चुके हैं, दोस्तों तो ये जो वैल्यू है ना, तो पूरी की पूरी वैल्यू कैसे आएगी, पूरी वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए पी 00 में है तो 2 दे देंगे फिनिशिंग कट एज अ फ्री कट, तो पी 02 अगर 00 रखोगे तो कोई कट नहीं लेगा, बस फाइनल हो जाएगा और टूल वापस होम पोजीशन हो जाएगा अपना। अगर ये डालोगे तो फ्री क्या, फ्री कट भी लेगा, सफाई कर देगा पूरे के पूरे चूड़ी की हमारी। तो ये 02, दूसरा वाला 00 है चैम्फरिंग अमाउंट, रोल मैंने आपको बताया 00 रहेगा हमेशा, नहीं डालेंगे चैम्फरिंग अमाउंट। और ये एंगल ऑफ थ्रेड है, तो एंगल ऑफ थ्रेड मान लो 55 डिग्री या 60 है, मान लो 60 है तो ये हो गया 60, ये हमारी पी की वैल्यू हो गई जो हम यहां लिखेंगे, ये यहां पे समझ गया आगे। अब हम चलते हैं आगे क्यू, दोस्तों मैं ये भी मिटा देता हूं, मुझे अभी और भी डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पे। दोस्तों जो क्यू है हमारी, पी क्यू, क्यू जो है हमारा रिपीट कट्स होते हैं, रिपीट कट, रिपीट रिपीट कट्स का मतलब क्या, बार बार रिपीट होगा, बार बार इसका रेपिटेशन होगा। जो चूड़ी की जो गहराई है, एक बार में तो आप गहराई मेंटेन करनी होगी एक बार में टूल में, उसमें कम से कम 2 या 4 या 5 10 जितने भी कट लेने होते हैं तो रेपिटेशन होते हैं कट के। तो हम देख लेते हैं कि रेपिटेशन कट्स कितना लेना है, कितने माइक्रोन का लेना है हमको। जैसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं यहां पे, ठीक है, ये चूड़ी है, ये चूड़ी का ये वाला डाया जो होगा, ये डाया मान लो आपका वो है 20 mm, और जो चूड़ी की जो गहराई है, गहराई मतलब ये, ठीक है दोस्तों, ये डाया मान लेते 20 है, तो ये डाया मान लेते 19 mm है, दोस्तों जो ये बड़ा वाला डाया होता है, मैंने पहले ही बताया था जो 20 mm का जो सबसे बड़ा वाला डाया ओडी जो है, इसको हम कहते हैं मेजर डायमीटर, ठीक है ना, ये हमारा हो गया मेजर डायमीटर जो बड़ा वाला है जो, और ये जो जो गहराई मेंटेन करके जो डायमीटर बनेगा नीचे वाला,
वो हमारा होता है माइनर डायमीटर, ये वाला। तो दोस्तों ये हमारा डायमीटर जो बना, जहां तक चूड़ी की गहराई मेंटेन होनी है वो 19 mm और 20 mm, मतलब 1 mm गहरा है। 1 mm गहरा है तो एक साइड से 0.5 है और एक साइड से 0.5 है, ठीक है। तो अब 20 से 19 पे आना है तो टूल क्या है, एकदम से जो आएगा चल के तो एकदम से वो चूड़ी की गहराई मेंटेन नहीं करेगा, वो 3 या 4 कट लेगा। तो मुझे बार बार कितना कट देना है उसमें, 50 micron का देना है, 100 का देना है, 150 का देना है, 200 का देना है, ठीक है ना। तो वो रेपिटेटिव कट्स हो गए हमारे, वो रिपीट कट्स होते हैं। तो उसमें हम वैल्यू डालते हैं, जितना वैल्यू डालेंगे, अगर ये 1 mm गहरा है तो हम क्या करेंगे, हम 100 micron का कट देंगे, 100 micron का कट। अब 100 micron का कट देंगे तो क्या होगा कि ये 5 बार में 19 mm आएगा। ये 5 बार में क्यों, क्योंकि डबल इफेक्ट आ रहा है, 100 काटेगा तो 200 का इफेक्ट आएगा, फिर 100 काटेगा तो फिर 200 का इफेक्ट आएगा। तो 100 micron कट देंगे तो 5 कट में जो है ये हमारा 19 mm डाया बन जाएगा। दोस्तों मैं अभी आगे आपको और समझाता हूं बढ़िया से। तो रिपीट कट्स है, तो रिपीट कट जो है दोस्तों क्यों, इसको हम डाल देते हैं माइक्रोन्स में, 100 micron या 200 micron ऐसे। दोस्तों अगर मैंने 100 micron दिया तो एक बार में जब वो 100 micron काटेगा तो डायमीटर इफेक्ट आएगा डबल, 200 micron डाउन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही 5 कट में जो है 100 micron का कट देता हूं तो 5 बार कट करेगा तो ये 20 से 19 पे आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली बताऊंगा दोस्तों, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये रिपीट कट होता है हमारा, मैंने बता दिया पहले आपको, अब मैं इसे मिटाता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं इस वाले आर की वैल्यू पे जो सबसे पहले ब्लॉक में है। दोस्तों ये आर जो होता है ये फिनिशिंग कट होता है हमारा, फिनिशिंग कट। फिनिशिंग कट मतलब आपने जो रिपीट कट्स लगाए इसमें, रिपीट कट से काटा माल, तो रिपीट कट में आपने 100 मैकन भी दे दिया, 200 भी दे दिया, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से आप माल को काट रहे हो उस टाइम पे, रफ कर रहे हो, तो मोटा मोटा माल काट दिया, तो चूड़ी की फिनिशिंग क्या हो रही है उसमें, खराब हो रही है। तो जब मैं फाइनल कट होता है तो फाइनल कट एज अ फिनिश कट, हम फिनिश कट लेते हैं फाइनल वाले को, तो फाइनल जो कट होगा उसमें हल्का माल देंगे, 20 micron 30 micron 40 micron, जिससे क्या है कटिंग का लोड कम हो और फिनिशिंग अच्छा है कंपोनेंट पे। तो ये जो आर की वैल्यू है दोस्तों, ये आर की वैल्यू जो होती है हमारी फिनिशिंग कट होती है। इसमें हम 0.025 0.005 0.04 जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम डाल देते हैं, बहुत लाइट कट देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिनिशिंग कट में हम यहाँ पे आर पे जो है ना, ये फिनिशिंग कट है। सबसे लास्ट कट जो होगा, जो सबसे गहराई जो मेंटेन करेगा ना उस टाइम पे, सबसे लास्ट कट जो होगा तो हम आर की वैल्यू डाल देते हैं 0.025 या 0.05 जो डालना हो आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये फिनिशिंग अमाउंट हो गया आपका, फिनिशिंग कट। दोस्तों एक्स जो है हमारा, एक्स जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर हमारा वो डायमीटर होता है जो हमें मेंटेन करना होता है, जिसकी गहराई मेंटेन करनी होती है। एक्स एक्स जो है विच वी हैव टू मेंटेन, ये वो डायमीटर होता है एक्स, जो डायमीटर हमको पहुंचना होता है, मतलब मेजर डायमीटर नहीं, हमें जो हमारी गहराई का डायमीटर है, माइनर डायमीटर। एक्स जो है यहां पे इस कंपोनेंट पे एक्स जो है हमारा 19 mm आएगा, क्योंकि ये डायमीटर हमको गहराई जो है मेंटेन करना है, एक्स 19। ये अगर ओडी पर जा रहे हैं तो 19 मेंटेन करना है। अगर हम आईडी में चूड़ी काट रहे होते तो क्या होता, दोस्तों दोबारा समझ लेना। एक्स जो है मैंने लिख दिया है डायमीटर विच वी हैव टू मेंटेन,
कि जो डायमीटर की गहराई हमें मेंटेन करनी है वो डायमीटर डालते हैं। यहाँ पे एक्स जो है 20 नहीं डालेंगे, एक्स हम 19 डालेंगे इस कंपोनेंट के हिसाब से, क्योंकि ये चूड़ी की जो गहराई है उसका जो डायमीटर देखते हैं हम, तो उसका डायमीटर 19 mm है। ये तो हो गई आपकी अगर ओडी पे चूड़ी काट रहे हैं। अगर आईडी में चूड़ी काटेंगे दोस्तों तो क्या डालेंगे वैल्यू, मैं भी ये मिटा देता हूं। दोस्तों अगर हम आईडी में चूड़ी काटेंगे ठीक है, आईडी में काटेंगे तो ये डाया नहीं डालेंगे, मान लो ये डाया हमारा 20 है चूड़ी का जो नीचे का डाया है, ठीक है ना, ये हमारा 20 है और जो चूड़ी की जो गहराई बनी रही है, गहराई हमारी कौन सी बनी रही है इस बार, गहराई हमारी अंदर ये वाली नहीं है, गहराई हमारी इस बार ऊपर वाली है, ये है गहराई हमारी इस बार, गहराई अब क्या हमारी ये वाली है, तो ये डायमीटर आएगा हमारा। मान लीजिए ये 20 है तो ये 22 है जो ऊपर वाला डाया है, चूड़ी में जो है अंदर की साइड जाएंगे तो वो वाला डायमीटर लेना है, ये वाला नहीं लेना स्टार्टिंग वाला, ये वाला लेना 22 वाला। अगर आप अंदर आईडी में काट रहे होगे तो आप ये वाला डाया लोगे, यहां पे लिख दोगे 22 mm, ये जो x की वैल्यू है ना यहां पे लिखोगे x 22, और ओडी पे मैंने आपको पहले बता ही दिया था दोस्तों।